Hey friends, in this video we are going to study about neurotransmitters. We are doing the continuation video on the topic of hormones and their receptors. In the previous videos we have already covered about steroid hormones, nitric oxide and carbon monoxide gases which act as a ligand, and about their receptors. In case of steroid hormones, we have studied that steroid hormones contain nuclear receptors, while ligands such as nitric oxide and carbon monoxides have no receptors as they are gases. Now, this is the third video on the topic of hormones and their receptors. Over here, we have the ligand which is the neurotransmitter. So, neurotransmitter over here is acting as a ligand or a signaling molecule. The receptor over here is the transmembrane receptor or plasma membrane receptor, which is present on the surface of the plasma membrane. However, in the steroid hormones, we have already covered that they consist of nuclear receptors. So, yahan pe jo neurotransmitters hain, neurotransmitters are the hydrophilic signaling molecules, while the steroid hormones were the hydrophobic signaling molecules. This we have already studied. सो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते क्या हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स एक ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड्स हैं जो कि सिग्नल कैरी करते हैं बिटवीन न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स और फ्रॉम न्यूरॉन्स टू द टारगेट सेल्स सच एज मसल सेल्स. तो जितने भी हमारा नर्वस सिस्टम होता है उनमें जो सेल्स होते हैं, जो कि नर्व सेल्स होते हैं, वहाँ पर जो सिग्नलिंग कैरी होती है, तो वहाँ के जो लाइगेंड्स होते हैं उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं. यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स भी कैरी हो सकते हैं या न्यूरॉन्स टू द टारगेट सेल जैसे कि मसल सेल्स में भी ट्रांसफ़र हो सकती है ये सिग्नलिंग. यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के, जो कि मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में मेंशन किए थे. दीज आर द मेन एग्जांपल इज एसिटाइल कोलीन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल विच ऑल्सो हेल्प्स इन द नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे, सिग्नलिंग पाथवे. तो नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग पाथवे में भी एसिटाइल कोलिन हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है. द अदर एग्जाम्पल इज द डोपामाइन, देन एपिनेफ्राइन, सीरोटोनिन, हिस्टामाइन, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन. ओवर हियर वी कैन सी ये जो एपिनेफ्राइन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको एड्रेनलिन भी बोला जाता है. ये एक ऐसा हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि एक लाइगेंड की तरह भी काम करता है और एक हार्मोन की तरह भी काम कर रहा है. मतलब एक ऐसा लाइगेंड है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन दोनों का ही काम कर रहा है. एपिनेफ्रीन और एड्रेनलिन, कुछ भी कहो, इन दोनों इस चीज़ को जो एड्रेनलिन या एपिनेफ्रीन है इसको प्रोड्यूस करते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द किडनीज, और इनका काम है टू सिग्नल ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इन द मसल सेल्स. सो काम इनका जो है एपिनेफ्राइन का या एड्रेनलिन जो भी है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर या एक हार्मोन है. जब ये सिग्नलिंग करते हैं, जब ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, तब इनका काम जो सिग्नलिंग होती है, इनके सिग्नलिंग का काम है टू ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन इन द मसल सेल्स. सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ एपिनेफ्राइन और एड्रेनलिन विच एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज अ हार्मोन. तो ये एक हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है. द लास्ट एग्जाम्पल इज गाबा विच इज गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड. दिस इज ऑल्सो न्यूरोट्रांसमीटर. यहाँ पे जो ग्लूटामेट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारी विजन में बहुत ज़्यादा काम आता है. अगर हमें जब हमें ब्लैक एंड वाइट विजन देखनी होती है या डिम लाइट में जो देखते हैं, तो वहाँ पे ग्लूटामेट जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है. अगर इसकी प्रेजेंस होती है तो हम नहीं देख सकते, हमारी विजन ब्लॉक हो जाती है. और जब ये ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता या बहुत कम होता है आईज़ के अंदर, तब हम एक ब्लैक एंड वाइट या लो विजन देख सकते हैं. सो ये ग्लूटामेट बहुत इंपॉर्टेंट है इन द विजन. ये भी हम आगे इसकी भी पाथवे पढ़ेंगे. एंड एसिटाइल कोलिन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर. अदर देन दैट वी हैव अदर एग्जांपल्स विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. दीज आर डोपामाइन, एपिनेफ्राइन, सीरोटोनिन, हिस्टामाइन, ग्लाइसिन एंड गाबा. सो दीज आर दी न्यूरोट्रांसमीटर्स. यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दी रिसेप्टर्स दैट दे हैव आर दी ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स और सरफेस रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अनलाइक स्टीरॉयड हॉर्मोन्स. नाउ हेयर आई कैन इलस्ट्रेट यू द सेम थिंग विद दिस एग्जाम्पल. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर इज सिग्नल्ड बाई द अराइवल ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल एट द टर्मिनस ऑफ ए न्यूरोन. यहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल अराइज होता है. ये दो नर्व सेल्स हैं या न्यूरोन्स हैं,
एक इसकी एंडिंग है और दूसरे की ये स्टार्ट पॉइंट है। ये बीच में जो स्पेस होती है उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। यहाँ पे जो हम वेसिकल्स देख रहे हैं इनको हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। दे एक्चुअली कंजिस्ट ऑफ ए न्यूरो ट्रांसमीटर विच इज़ अ लाइगेंड। न्यूरो ट्रांसमीटर कुड बी एनी थिंग, इट कैन बी एसिटाइल कोलिन, डोपामाइन, हिस्टामाइन, सीरोटोनिन और व्हाट्सो एवर आई हैव एक्सप्लेन यू। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सिग्नलिंग, किस चीज़ की सिग्नलिंग करानी है वो न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। साइनेप्टिक वेसिकल इनको एनक्लोज करती हैं और जब ये साइनेप्टिक वेसिकल्स अपनी मेम्ब्रेन से एक्सोसाइटोसिस शो करती हैं तब ये जो लाइगेंड्स प्रेजेंट होते हैं दूसरे न्यूरॉन्स पे, यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिसीव करते हैं अपने सिग्नल को। तो ये हम चीज़ यहाँ इस डायग्राम से शो कर सकते हैं। हेयर वी कैन सी दीज आर द न्यूरो ट्रांसमीटर्स विच हैव गॉट रिलीज फ्रॉम द वन न्यूरोन एंड इज एक्सेप्टेड बाय द अदर न्यूरोन विच इज़ हैविंग द रिसेप्टर, स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर इट। सो वी कैन सी ओवर हेयर, लेट सपोज इट्स एन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। सो एज दिस सिग्नल और एज द लाइगन बाइंड्स टू द रिसेप्टर देर आर सर्टिन कन्फर्मेशनल चेंजेस विच इज़ इंड्यूस्ड ड्यू टू द न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स के कारण जो है कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं रिसेप्टर्स के अंदर, जिसके कारण ये जो हमारे पास रिलीज हुआ लाइगेंट है वो अटैच करके यहाँ पे अपनी सिग्नलिंग शो कर देता है। सो दिस इज़ अबाउट द न्यूरो ट्रांसमीटर्स एंड द न्यूरो ट्रांसमीटर देन डिफ्यूजेज अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड बाइंड्स टू द रिसेप्टर ऑन द टारगेट सेल सर्फेस। दिस इज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू थ्रू दिस डायग्राम। Now, in contrast to the steroid hormone and nitric oxide or carbon monoxide, we have observed that the neurotransmitters, they act by binding to cell surface receptor. स्टीरॉयड हार्मोन और ये जो जो गैसेज हैं इनमें हमने पढ़ा है कि जो स्टीरॉयड हार्मोन है वो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं और इसको तो रिसेप्टर्स की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो तभी अपना एक्ट कर सकते हैं या तभी अपनी सिग्नलिंग या फंक्शनिंग में या मैकेनिज्म शो कर सकते हैं अगर वो बाइंड करते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर से। सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं विच आर द ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। द अदर इन्फॉर्मेशन इज दैट अदर न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स आर कपल्ड टू जी प्रोटीन्स। अब ये जो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं कुछ प्रोटीन्स के साथ ही बाइंड करते हैं, कपल्ड करते हैं। इस चीज़ को हम जानेंगे जब हम आगे सिग्नलिंग पाथवेज पढ़ेंगे। तो वन थिंग दैट वी कैन रिमेंबर फ्रॉम हेयर इज दैट कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि कपल्ड होते हैं एक प्रोटीन से जिसका नाम है जी प्रोटीन। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरोट्रांसमीटर एंड दी सर्फेस रिसेप्टर। नाउ लेट्स सी दी अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दैट वी हैव। वी हैव पेप्टाइड हॉर्मोन्स, वी हैव न्यूरोपेप्टाइड्स, वी हैव ग्रोथ फैक्टर्स। दीज ऑल्सो एक्ट एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और लाइगेंड। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले पेप्टाइड हॉर्मोन्स के बारे में। जब बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा सिग्नलिंग होती है या सबसे ज़्यादा जो लाइगेंड्स मौजूद होते हैं बॉडी के अंदर वो पेप्टाइड हॉर्मोन्स के लाइगेंड्स होते हैं। सो द मैक्सिमम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इन एनिमल्स आर पेप्टाइड्स। तो पेप्टाइड हॉर्मोन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं और जितनी भी बॉडी के अंदर मैक्सिमम सिग्नलिंग होती है या इसके रिसेप्टर्स होते हैं वो मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं। पेप्टाइड हॉर्मोन्स के यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है इंसुलिन, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इंसुलिन जो है एक ऐसा हमारे पास सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या लाइगेंड है जो कि स्टिम्युलेट कराता है ग्लूकोज अपटेक एंड सेल प्रोलीफरेशन को। जो ग्लूकोज की अपटेक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो डिटरमाइन करती है इंसुलिन पे कि इंसुलिन अपने रिसेप्टर के साथ कैसे बाइंड कर रहा है या कितनी एफिशिएंटली बाइंड कर रहा है या बाइंड कर भी रहा है कि नहीं। तो इसकी सिग्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टिमुलेशन ऑफ ग्लूकोज अपटेक एंड सेल प्रोलीफरेशन। ऑन दी अदर हैंड वी हैव ग्लूकेगॉन विच इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ पेप्टाइड हॉर्मोन एक्टिंग एज अ लाइगेंड। इट द फंक्शन इज ग्लूकोज सिंथेसिस। सो ग्लूकेगॉन जो भी हमारे पास लाइगेंड है उसका काम है ग्लूकोज सिंथेसिस। तो इस तरह से इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन आर द एग्जांपल ऑफ पेप्टाइड हॉर्मोन्स। नाउ द अदर एग्जांपल्स ऑफ पेप्टाइड हॉर्मोन्स आर ग्रोथ हॉर्मोन्स, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स एंड प्रोलैक्टिन। ग्रोथ हॉर्मोन इज अ पेप्टाइड हॉर्मोन, इट्स अ लाइगेंड। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन FSH इज अ लाइगेंड एंड प्रोलैक्टिन इज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और अ लाइगेंड। इनकी फंक्शन है कि अगर ये सिग्नलिंग हो जाती है अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाते हैं तो इनका फंक्शन क्या होता है। ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन है नॉर्मल ग्रोथ करवाना,
फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन हमें पता है इसका इसका फंक्शन है टू स्टिम्युलेट ओसाइट्स फॉर्मेशन एंड ओवेरीज ओवेरियन फॉलिकल्स की फंक्शनिंग को मेंटेन करना. और लास्ट में हमारे पास एक प्रोलैक्टिन हार्मोन है विच इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन. इट फंक्शंस इन द स्टिम्युलेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन द ब्रेस्ट ऑफ फीमेल. सो ये जो जितने भी तीन हमारे पास ये पेप्टाइड हार्मोन्स हैं या लाइगेंस हैं ये जो है सिक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड. सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो अ ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्रेन. तो ये हमें पता है पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है. इसमें तीन हमारे पास तीन हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं और इनका ये यहाँ पे इनकी फंक्शनिंग मेंशन है. सो दिस इज़ अबाउट द पेप्टाइड हार्मोन्स एंड ऑल्सो दे कंजिस्ट ऑफ रिसेप्टर्स विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सेल सर्फेस. तो इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं जितने भी हमने पेप्टाइड हार्मोन पढ़े हैं एग्जाम्पल इंसुलिन ग्लूकागन ग्रोथ हार्मोन फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन इन सभी के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेल के सर्फेस पे. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द न्यूरोपेप्टाइड्स और न्यूरो हार्मोन्स. तो न्यूरोपेप्टाइड्स और न्यूरो हार्मोन्स जो है न्यूरो ट्रांसमीटर्स से डिफरेंट होते हैं. वी कैन नॉट कंक्लूड देम विद द न्यूरो ट्रांसमीटर्स. न्यूरोपेप्टाइड्स आर दी एक्चुअली दी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स और लाइगेंस विच आर सिक्रेटेड बाय सम न्यूरॉन्स बट दे आर नॉट न्यूरो ट्रांसमीटर्स. दे आर कंसिडर्ड एज न्यूरो हार्मोन्स. जो न्यूरॉन्स कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं जिनको हम न्यूरो ट्रांसमीटर ना लेने की बजाय उनको हम न्यूरो हार्मोन्स कंसिडर करते हैं. यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है कुछ न्यूरो हार्मोन्स या न्यूरोपेप्टाइड्स के. दीज आर सबस्ट्रांस पी. सबस्ट्रांस पी इज अ लाइगेंड विच इंड्यूसेस सेंसरी साइनेप्टिक ट्रांसमिशन. ऑक्सीटोसिन स्टिम्युलेशन ऑफ मसल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग बर्थ. वी नो ऑक्सीटोसिन इज अ वेरी मेजर हार्मोन. इट्स अ न्यूरो हार्मोन. नेक्स्ट इज द वेसोप्रेसिन विच स्टिम्युलेट्स वाटर री एब्जॉर्प्शन इन द किडनी. एनकेफेलिन एंड बीटा एंडोर्फिन बोथ फंक्शन एज एनर्जेसिक पेन रिलीवर. तो एनकेफेलिन और बीटा एंडोर्फिन जो है वो एनर्जेसिक का काम करते हैं. और ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास लाइगेंड्स के जो कि न्यूरो हार्मोन्स हैं. इनके भी जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सर्फेस पे प्रेजेंट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं. अब यहाँ पे एनकेफेलिन और बीटा एंडोर्फिन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है कि ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स ये एक्ट करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स की तरह एट साइनेप्सिस और न्यूरो हार्मोन्स की तरह भी एक्ट करते हैं ऑन डिस्टेंट सेल्स. यानी कि एनकेफेलिन और एंडोर्फिन आर एक्टिंग एज बोथ न्यूरो ट्रांसमीटर्स एंड न्यूरो हार्मोन्स. और एक नेचुरल एनर्जेसिक का काम करते हैं दैट डिक्रीजेज द पेन रिस्पॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो पेन को डिक्रीज करने का काम करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू. और इनका जो फंक्शन हमने देखा है जो एनकेफेलिन और एंडोर्फिन है इनका फंक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है जैसे कि मॉर्फिन करता है. सो इट बाइंड्स टू द सेम रिसेप्टर ऑन द सर्फेस ऑफ द ब्रेन सेल्स एज मॉर्फिन डस. तो जिस तरह से मॉर्फिन हमारे ब्रेन सेल की सर्फेस के रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है उसी तरीके से सेम रिसेप्टर्स पे एनकेफेलिन और एंडोर्फिन्स भी बाइंड करते हैं. एनकेफेलिन एंडोर्फिन्स जो है वो नेचुरल एनर्जेसिक है जबकि मॉर्फिन जो है वो एक सिंथेटिक या प्लांट बेस्ड हमारे पास पेन रिलीवर और एक एनर्जेसिक है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूरो हार्मोन्स और न्यूरोपेप्टाइड्स विच आर एक्टिंग एज अ लाइगेंड और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एंड दे हैव सर्फेस रिसेप्टर्स. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ लाइगेंड्स आर पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर्स. जो पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर्स हैं ये भी एक तरह के लाइगेंड्स हैं ये भी एक तरह के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं. सो पेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर्स ये जो ग्रोथ फैक्टर्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इनका काम देखा जाता है इन द प्रोलीफरेशन. जितनी भी बॉडी के अंदर सेल्स की प्रोलीफरेशन डिवीजन और ग्रोथ होती है वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. और इनकी डिसफंक्शनिंग या इनकी मॉल फंक्शनिंग के कारण ही जो है कैंसर इंड्यूस होता है. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं ग्रोथ फैक्टर्स के विच आर नर्व ग्रोथ फैक्टर्स NGF whose function is in the differentiation and survival of neurons. So nerve growth factor is very important ligand. It exists in the form of dimer. The next one is the epidermal growth factor. ये एक ऐसा ligand है जो कि proliferation कराता है बहुत ही तरह की different types of cells की proliferation कराता है. Epidermal growth factor जो कि एक monomer form में एक ligand exist करता है. Now the other examples of growth factors are प्लेटलेट ड्राइड ग्रोथ फैक्टर PDGF. इसका काम है प्रोलीफरेशन ऑफ फिब्रोब्लास्ट एंड अदर सेल टाइप. फिब्रोब्लास्ट हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होते हैं इनका काम होता है प्रोलीफरेशन कराना.
Now, proliferation of fibroblasts and other cell types is done by platelet-derived growth factor, PGDF, which exists in the form of dimer. The other example is interleukin-2, whose function is proliferation of T lymphocyte. Erythropoietin एक तरह का ग्रोथ फैक्टर है जो कि काम करता है डेवलपमेंट ऑफ RBCs. तो RBCs की डेवलपमेंट कराता है erythropoietin, which is a hormone acting as a growth factor and as a ligand. Interleukin 2 helps in the proliferation of T lymphocytes in the immune system. These are the examples of growth factors. ये जो polypeptide growth factors होते हैं, they include variety of signaling molecules that control animal cell growth and differentiation. जैसे कि हमने नर्व ग्रोथ फैक्टर के बारे में पढ़ा, विच बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉल्ड न्यूरोट्रोपिन्स दैट रेगुलेट द डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ न्यूरॉन्स. द अदर एग्जांपल इज द प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, विच हेल्प्स इन वाउंड हीलिंग. जो हमारे पे चोट लगती है तो उसको हील करने का काम जो है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर की मदद से या इसकी सिग्नलिंग की मदद से किया जाता है. वी नो दैट PGDF इज स्टोर्ड इन ब्लड प्लेटलेट्स एंड रिलीज ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग एट द साइट ऑफ वाउंड. जब भी हमारे पे जो साइट होती है वाउंड की, जहाँ पे चोट लगती है, उस साइट पे जो है हम रिली जो है PGDF जो है प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर जो है वो ब्लड इज स्टोर्ड, उस जगह स्टोर्ड होता है इन ब्लड प्लेटलेट्स में और तब रिलीज होता है ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग. इट देन स्टिमुलेट्स द प्रोलीफरेशन ऑफ फिब्रोब्लास्ट इन द विसिनिटी ऑफ क्लॉट, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द रीग्रोथ ऑफ द डैमेज टिश्यूज. तो जहाँ पे डैमेज टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे रीग्रोथ कराता है और क्लोट के बहुत ही पास जो है वो स्टिमुलेट कराता है प्रोलीफरेशन ऑफ फिब्रोब्लास्ट. फिब्रोब्लास्ट आर द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स विच कैन प्रोड्यूस मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. नाउ अदर एग्जांपल ऑफ ग्रोथ फैक्टर इज साइटोकाइंस. साइटोकाइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे पास ग्रोथ फैक्टर्स का. और यहाँ पे जो साइटोकाइंस हैं, they regulate the development and differentiation of blood cells and control the activity of lymphocytes during immune response. Immune system के अंदर cytokines का बहुत ही major role है और ये एक growth factor है जो कि ligand की तरह काम करते हैं और सबसे ज़्यादा काम आते हैं immune system के अंदर. So we have seen about the growth factors and all of them, जितने भी growth factors हमने पढ़े हैं या neuropeptides, neurohormones, peptide hormones पढ़े हैं या neurotransmitter पढ़े हैं, all they have सेल सर्फेस रिसेप्टर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स. सो नाउ वी कैन सी दैट एबनॉर्मेलिटीज इन द ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग आर द बेसिस ऑफ वेराइटी ऑफ डिजीजेज इंक्लूडिंग मेनी काइंड ऑफ कैंसर. अगर ग्रोथ फैक्टर के अंदर कोई भी सिग्नलिंग में मॉल फंक्शनिंग आ जाती है या डिजीज हो जाता है तो उसके कारण जो है ये जो सिग्नलिंग है, अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर जो है वो बन सकते हैं in case of abnormalities in the growth factor. For example, अगर abnormal expression होता है epidermal growth factor receptors का, तो इससे जो है बहुत सारे human cancers जो है उनकी development हो जाती है. And inhibitors of EGF receptors appears to be a promising agent for cancer treatment. उस time पर जब EGF receptors जो हैं epidermal growth factor receptors जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं और उनका abnormal expression होता है, तो बहुत ज़्यादा different तरह के जो है human के अंदर cancer की development हो जाती है. और उस time पर जो treatment है वो इस basis पर दिया जाता है कि ये जो abnormal receptor है इसको किस तरह से inhibit किया जा सके ताकि cancer की treatment आराम से की जा सके. So this is all about the epidermal growth factors, and in this video we have covered about neurotransmitters, peptide hormones, neuropeptides or neurohormones, then growth factors. So this is about the hormones and their receptors. In the next video we will study about eicosanoids and plant hormones, which are the last topic of hormones and their receptor according to CSI and NET. So I hope that you like this video. If you did, then please don't forget to subscribe, share, comment. Thank you.